गाड़ी अब 24 का एवरेज देने लग गई। देखो भाई फ्रॉन्ग 2023 24 का एवरेज देख रही है, हाईवे पे इसने 24 का निकाला। अब भाई मेन चीज आती जो है सिटी, सिटी के अंदर कितना देती है। अब अपन सिटी के लिए घुस रहे हैं भैया, भाई अब आप ट्रैफिक देख सकते हैं कैसा है, एकदम पीक सा ट्रैफिक आ गया है, गाड़ी एकदम धीरे धीरे चल रही है, जिसमें 24.2 का तो एवरेज फिर भी गाड़ी शो कर रही है। तो यही है सिटी का कि सिटी के अंदर ऐसा ट्रैफिक है और हाईवे पे ऐसा जो पता है, मतलब सिटी प्लस हाईवे का पूरा आपको यहाँ पे मैं एवरेज टेस्ट बता दूँ। 50/2.31 भाई। ये कम ज़्यादा डालता है क्यों? कम भैया कम ज़्यादा करते हो क्या? अरे हाँ हाँ। तो भाइयों मैं हूँ गैस गर्ल आयुष भाई, आज अपने साथ खड़ी अपनी ऑल न्यू फ्रॉन्ग्स 2023 1.2 लीटर वाली। अब भाई इस गाड़ी का आज ना अपन एवरेज टेस्ट करेंगे, इसको लगभग 20 से 25 किलोमीटर हाईवे पर चलाएंगे और 20 से 25 किलोमीटर सिटी के अंदर चलाएंगे, नहीं अप्रॉक्स 50 से 60 किलोमीटर गाड़ी चलाएंगे और इस गाड़ी का पूरा एवरेज टेस्ट करेंगे। नई गाड़ी है, अभी फिलहाल में कितना एवरेज दे रही है, मतलब जो मेनली जो मारुति के इंजन फेमस है उसकी एफिशिएंसी के लिए, वो चेक करेंगे इस वीडियो में। और अगर आपके कुछ भी सुझाव हो या आपके कुछ भी क्वेश्चन है रिलेटेड टू फ्रॉन्ग्स तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं, मेरी इंस्टाग्राम आईडी स्क्रीन पे आ रही होगी। तो अपन सीधे गाड़ी के अंदर पेट्रोल फुल करवाते हैं और देखते हैं भाई ये गाड़ी क्या एवरेज देती है। चलो भाई पेट्रोल पंप पे अपन आ चुके हैं, गाड़ी को अपन ने पूरा जीरो कर दिया, यानी कि जो उसका ट्रिप है ना जीरो किलोमीटर कर दिया। यही सारी चीजें अब अपन एवरेज टेस्ट करेंगे, पेट्रोल डलवाते कितना आ जाता है, मतलब इसमें आधी टैंक तो है और आधा खाली है, तो आधा करवा के अपन सीधे भरते हैं। कर दो भैया फुल इसको पेट्रोल, जान दो भैया। साइड में लो 2134 पे कट लगा है भैया, और डाल दो देखो जितना आ जाए, लवा लो ऊपर तक कर दो बस ठीक है। ठीक लो पूरा देख सकते हो सीधे यहाँ तक भर दिया और आया कितने का 2329 रुपये का 21 लीटर समथिंग कुछ आया, 21.5 लीटर। भैया आते हैं वापस है ना? ओके देखो आप किलोमीटर तो आप 0-0 देख सकते हो, टोटल गाड़ी 78 किलोमीटर चली है और एवरेज की बात करें तो 10.9 का एवरेज शो कर रही है। इसको भी एक बार रीसेट कर देते हैं, ये अब एवरेज भी गाड़ी का पूरा रीसेट हो चुका है। एक बार आपको स्क्रीन पे बता देता हूँ, तो यहाँ पे रेंज 402 किलोमीटर आ रही है और एवरेज 0 शो कर रहा है। अपन चलते सीधे हाईवे से स्टार्ट करते हैं, हाईवे के बाद अपन सिटी के अंदर आएंगे। कार के अंदर हम सिर्फ 2 जने बैठे हुए हैं, 2 जने के साथ हम ट्रैवल करेंगे। मेनली जो स्पीड रहती है अपनी नॉर्मल 80 से 100 मतलब 80-90 के बीच में रहेगी, उससे ज़्यादा अपन गाड़ी नहीं भगाएंगे। और अभी ऑटो सिस्टम वाला ऑफ करके रखा है। अब अपन चलते हैं, देखो अब एवरेज शो कर रही है, धीरे धीरे बढ़ रहा है 9.2 का, 0 से स्टार्ट करा तो धीरे धीरे एवरेज बढ़ जाएगा। जैसे ही हाईवे टच करेंगे भाई एवरेज चरम सीमा पर पहुँच जाएगा, और फिर जैसे ही सिटी टच करेंगे तो एवरेज भाई गिरना तो है ही सर। देखो ये एवरेज टेस्ट ऐसा है कि कोई गाड़ी, देखो मेनली जितने भी रहते हैं गाड़ी के ओनर्स वो गाड़ी भगाते हैं नहीं, उनको चाहिए एफिशिएंसी, तो आराम से चलाते जैसे आप सब चलाते हो। वैसे भी मैं गाड़ी चला रहा हूँ, अभी फोर्थ गियर में क्रूज़ कर रहे करीब 50-60 की स्पीड पे, और ऐसा कोई भी नहीं कि मैं गाड़ी रैश चलाऊंगा, नॉर्मल जैसी चलती वैसी चलाऊंगा और उसके अंदर जितना हाईएस्ट एवरेज निकाल सकते वो निकाल के बताऊंगा। अभी MID पे शो कर रहा है आपको करीब करीब 15.8 का शो कर रहा है और ये धीरे धीरे बढ़ना ही बढ़ना है। गाड़ी की बात करूँ चलने में भाई, ये इंजन 1.2 लीटर का जो डुअल जेट K15C सीरीज वाला इंजन है भाई, बहुत ही ज़्यादा रिफाइंड इंजन है। फोर्थ गियर पे क्रूज कर रहा हूँ, गाड़ी अभी भी 40 पे इजीली चल रही है, कोई उसको ऐसा नहीं हेजिटेशन, कोई जर्क नहीं है, नॉर्मली कोई गियर वेयर नहीं मांग रही और एकदम आराम से चल रही है। और फिर मैनुअलिटी की बात करें, स्टीयरिंग व्हील इतना लाइट है मज़े आ जाएंगे आपको गाड़ी चलाने में भाई। अभी गाड़ी स्टार्ट ही करी है, थोड़े टाइम ही हुआ खींचते खींचते, और एवरेज देख लो 18.9 का एवरेज शो कर रही है। किलोमीटर की बात करें तो अभी कितने किलोमीटर आ गए हम पेट्रोल पंप से, 2.8 किलोमीटर ही आए हैं और गाड़ी 18 का शो कर रही है एवरेज। और अगर बात करूँ ट्रैफिक की तो भाई मॉडरेट सा ट्रैफिक है, गाड़ियों के पीछे ही चलना पड़ रहा है, ऐसा नहीं कि प्योर हाईवे पे चल रहा हो, हाईवे पे भी रहेगी गाड़ी लेकिन मेनली ट्रैफिक के अंदर ही रहनी है। अब देख लो कितना ट्रैफिक है, गियर बार बार चेंज हो रहे हैं, तो उस हिसाब से देखो सेकेंड गियर में गाड़ी है, कोई भी झटके नहीं लेती है, इजीली उठ जाती है। भाई अब अपन हाईवे पे आ चुके हैं, नॉर्मल गाड़ी को 60 पे क्रूज कर रहे हो, एवरेज आप देख लो क्या शो कर रही है गाड़ी, एवरेज आपको 20.6 का शो कर रही है। अब ये एवरेज इतना है कि नहीं अपन चेक जरूर करेंगे। और हाईवे पे अभी 60 पे चल रहे हैं अपन, मतलब यही अब ट्रैफिक कंडीशन के हिसाब से 60 से 80-90 के बीच में अपन रहेंगे, ज़्यादा ऊपर ले जाएंगे नहीं क्योंकि इससे ज़्यादा आप चलाने से रहे, हाँ फिर अलग बात है आप गाड़ी खींचोगे खतरनाक तरीके से तो बट ऑब्वियस एवरेज गाड़ी कम देगी, लेकिन अभी जो है अभी इतने पे ही चल रहे अपन भाई। अभी देखो गाड़ी कितने पे चल रही है, 70 से 80 के बीच में, और एवरेज देख लो 21.2 का एवरेज दे रही है हाईवे पे। गाड़ी अभी 10 किलोमीटर चल चुकी है
10 किलोमीटर आप जैसे देख सकते हैं MID के ऊपर टोटल 10 किलोमीटर चल चुकी है। और एवरेज मैं आपको बता देता हूँ, एवरेज देखो 22.3 का एवरेज दे रही है भाई, 22.3 का एवरेज दे रही है फ्रॉम 2023 पेट्रोल वेरिएंट में। भाई एक और चीज़, ये गाड़ी ना एक दिन पुरानी है, मात्र एक दिन पुरानी, गाड़ी 100 किलोमीटर भी नहीं चली, टोटल 89 किलोमीटर आप देख सकते हो जिसके अंदर हम एवरेज टेस्ट कर रहे हैं, और गाड़ी इजीली 23 तक पहुंच गई है, 23 किलोमीटर पर लीटर पे पहुंच गई। अब देखते हैं इसका मेन जो आता है रिजल्ट सिटी के अंदर, और फिर अपन टेस्ट करके आपको बताते हैं। लो भाई अब क्लॉक पे देख सकते हो 23 का एवरेज दे दिया है फ्रॉन्क्स ने अभी अपने को हाईवे के ऊपर, जिसमें भाई AC भी ऑन है, ऐसा नहीं कि AC ऑफ है, नॉर्मल आप देख सकते हो 70-80 की स्पीड पे चल रहे हैं, साथ ही में AC ऑन है, तो प्योर टेस्ट मिल जाएगा आपको AC के साथ दो जने बैठे हुए क्या गाड़ी एवरेज दे रही है। तो ये गाड़ी कुछ अपन ने चला दी है 14-15 किलोमीटर आप देख सकते हैं, 15 किलोमीटर यहाँ पे चल चुकी है, और जो एवरेज गाड़ी दे रही है मैं आपको एवरेज बता देता हूँ, जो 15 किलोमीटर टोटल होगी 23.2 का एवरेज दे रही है ये। अभी हम चल रहे आगरा बॉम्बे हाईवे पे, आगरा बॉम्बे हाईवे जो NH3 है ये उस पर चल रहे हैं अपन, और गाड़ी इजीली 80 पे क्रूज कर रहे हैं, 70-80 के बीच में, और भाई गाड़ी एवरेज दे रही है 23.2 का, और धीरे धीरे जो बढ़ी रहा है भाई। अभी भी अपन हाईवे पे हैं, करीब करीब गाड़ी 20 किलोमीटर से ऊपर हो गई, 23.5 का एवरेज शो कर रही है फ्रॉन्क्स। भाई एवरेज देख लो 23.9 का एवरेज दे रही है फ्रॉन्क्स, 23.9 गाड़ी अब 24 का एवरेज देने लग गई। देखो भाई फ्रॉन्क्स 2023 24 का एवरेज देख रही है हाईवे पे, इसने 24 का निकाला। अब भाई मेन चीज आती जो है सिटी, सिटी के अंदर कितना देती है। अब अपन सिटी के लिए घुस रहे हैं, अभी राउ स्क्वायर आपको अगर इंदौर से हो तो आपको पता है कौन सा स्क्वायर है। अब अपन अंदर की तरफ जाते हैं, 24.1 का एवरेज शो कर रही है फ्रॉन्क्स 2023। अब अपन आ चुके सिटी के अंदर पूरा ट्रैफिक के साथ भरा हुआ, अभी गाड़ी 24 का एवरेज शो कर रही है, 24.1 का। अब देखते हैं सिटी के अंदर क्या एवरेज इसका निकलता है। अभी हम चल रहे रिंग रोड के ऊपर, आपको पता होगा इंदौर से हो तो रिंग रोड कौन सी है, बिजलपुर वाला एरिया, मतलब राउ से जो बिजलपुर तरफ जाता है, ये पूरा ट्रैफिक आप देख सकते हो। नॉर्मल गाड़ी यहाँ पे स्पीड कम हो गई गाड़ी की, यही कुछ 50-60 चल रही है, ब्रेक बहुत लग रहे हैं हर पल पल पे, यहाँ पे स्पीड ब्रेकर बना के रखे हैं, आपको पता ही कहाँ कैसे कैसी है। बाकी रोड अच्छी है और साफ सफाई तो देख ही लो आप। वही एवरेज देख लो 23.9 इन सिटी दे रही है फ्रॉन्क्स 2023 भाई एवरेज। अब मजे आ जाएगा जो उसका रिजल्ट निकलेगा ना, पेट्रोल टैंक टू टैंक वाला, भाई मजे ला देगी गाड़ी। अब अपन चलते हैं सीधे पेट्रोल पंप की तरफ, और बीच में आपको बताता रहता हूँ कैसे कैसे क्या सिनेरियो है। 4.3 इन सिटी गाड़ी एवरेज दे रही है, 23.3 का सिटी के अंदर फ्रॉन्क्स एवरेज दे रही है। अब आगे का क्या होता है चलते हैं भाई। अब आप ट्रैफिक देख सकते हैं कैसा है, एकदम पीक सा ट्रैफिक आ गया है, गाड़ी एकदम धीरे धीरे चल रही, जिसमें 24.2 का तो एवरेज फिर भी गाड़ी शो कर रही है। तो यही है सिटी का, सिटी का देख एक और फ्रॉन्क्स जा रही है उधर, यही है भाई सिटी का कि सिटी के अंदर ऐसा ट्रैफिक है और हाईवे पे ऐसा जो पता है, मतलब सिटी प्लस हाईवे का पूरा आपको यहाँ पे मैं एवरेज टेस्ट बता दूंगा फ्रॉन्क्स 2023 का। अभी तो आ गए हैं हम करीब करीब कितने किलोमीटर मैं आपको बता देता हूँ, तो गाड़ी चल गई है 38 किलोमीटर, अभी जब से एवरेज टेस्ट स्टार्ट करा 38 किलोमीटर चल गई, और आपको एवरेज बता देता हूँ, एवरेज 23.8 का शो कर रही है MID। अब वही है रियलिटी टेस्ट, ये गाड़ी कितना एवरेज देगी, सब बहुत ज़्यादा क्यूरियस है फ्रॉन्क्स 2023 के एवरेज टेस्ट के लिए। फ्रॉन्क्स की बड़ी बहन जा रही ग्रैंड विटारा, देख लो भाई कैसी चल रही है, और ये भी कुछ कम नहीं ग्रैंड विटारा से भाई। लगभग लगभग गाड़ी अपनी 24 का एवरेज दे रही है MID पर, 43 किलोमीटर चल चुकी, और 7-8 किलोमीटर चलानी है गाड़ी को, और फिर आपको पता चल जाएगा फ्रॉन्क्स 2023 एवरेज कितना देती है भाई। ट्रैफिक तो भयंकर है ही, सारी ट्रैफिक के अंदर चल रहे हैं, 45 किलोमीटर गाड़ी पूरी चल चुकी है, और 4-5 किलोमीटर फिर भाई अपने को पता चल जाएगा फ्रॉन्क्स 2023 का प्रॉपर जो गाड़ी एवरेज दे रही है भाई। 49.6 किलोमीटर हो गया, और अपना पेट्रोल पम्प आ चुका है, तो एक बार इसको पूरा 50 कर लाते हैं, यानी कि 100-200 मीटर और घुमा देते हैं, और फिर चेक करते हैं फ्रॉन्क्स 2023 का माइलेज टेस्ट कितना ये माइलेज दे रही है। 49.7 हो चुका है, अब जैसे ही 48 होगा अपन गाड़ी घुमा लेंगे, 48 हो गया, अपन यहाँ से गाड़ी घुमा लेते हैं, यू टर्न आ गया है। अगर आपको इंदौर से हो और तुलसी नगर वाला एरिया पता है, तो भाई यहाँ से मैंने फ्यूल अप करवाई थी गाड़ी, अब यहाँ से यू टर्न लेने के बाद अपन 49 हो गया भाई, ये ऑलमोस्ट हो गई अपनी 50 किलोमीटर। अब अपन डलवाते हैं पेट्रोल, वापस से फुल करवाते हैं, और देखते हैं भाई फ्रॉन्क्स 2023 क्या एवरेज निकालती है। लो भाई पूरी 50 किलोमीटर हो गई, और अपन आ चुके हैं वापस इसी पेट्रोल पंप पे जहाँ से अपन ने पेट्रोल फुल करवाया था। अब भाई घड़ी है, मतलब टाइम है, कितना एवरेज ये गाड़ी देती है अब देखते हैं इसको।
चलिए एवरेज आपको एक बार इधर बता देता हूँ, एवरेज क्या दे रही है। तो भाई 23.1 का एवरेज शो कर रहा है इन द एंड, पेट्रोल पंप से ही जहाँ से चालू किया था वहीं आके ख़त्म कर रहे हैं। अब मेरे अंदाज से इसमें आना चाहिए 2 से 2.5 लीटर पेट्रोल, अगर उससे ज़्यादा आया तो देख लेते हैं क्या सीन होता है। उत्तर भोला 50 किलोमीटर घूमे ही, देखा कितना एवरेज देते हैं। 50 किलोमीटर घूमा भी ला और क्या, रहू से यहाँ तक लिया पाछा चोरा बाईपास से, फिर यहाँ से पेट्रोल कर दो भैया फुल, देखते हैं कितना आता है। जीरो जान दो, ज़्यादा लगेगा नहीं, धीरे ही करना क्योंकि हाँ जी ये ऑटो कट लग गया। लो 1 लीटर भी नहीं आया, ऑटो कट लग गया भैया, पूरी लबा लो ऊपर तक भर दो। बोला वाला मोबाइल निकाल लो, वो कार में जो रखा है। वो बीच में ही रखा होगा देख, थोड़ा थोड़ा ये डाल दो, थोड़ा सा बस ठीक भाई, एकदम लबालब जैसा पहला भरा था। 250 रुपये का पेट्रोल आया 2.31। अब देखते हैं एवरेज क्या फ्रॉम 2023 ने, सॉरी भैया, अब देखते हैं एवरेज क्या दिया है फ्रॉम 2023 ने। जो लड़का है ये कम ज़्यादा डालता है। क्यों कम भैया, कम ज़्यादा करते हो क्या? अरे हाँ हाँ, देखो 23 का एवरेज शो कर रही है आपको, किलोमीटर बता दो, 50 किलोमीटर गाड़ी चली है और 50 किलोमीटर चलने के बाद जो एवरेज दिया है गाड़ी ने वो मैं आपको बता देता हूँ। 50 / 2.31 भाई ये एवरेज दिया, 21 किलोमीटर का एवरेज दिया, 21.5 किलोमीटर का एवरेज दिया है फ्रॉन्ग्स 2023 ने। तो ये रहता है भाई फ्रॉन्ग्स 2023 का पूरा एवरेज जो निकाला है इस गाड़ी ने, नई की नई गाड़ी, एक ही दिन हुआ है लिए को और इसने 21 किलोमीटर पर लीटर का यानी कि 21.5 का एवरेज दे दिया है। कमेंट सेक्शन बताइएगा आपके विचार, और अगर आपके कुछ भी सवाल है तो मुझे इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हैं, इंस्टाग्राम की आईडी स्क्रीन पे आ रही होगी। तो मिलते हैं अगले किसी रिव्यू में, अगले किसी ओनरशिप एक्सपीरियंस में, तब तक के लिए सब्सक्राइब कीजिएगा गैस गल्ला आयुष को, धन्यवाद।